सो गाइस अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो गाइस हमारे इंटेंस बाइक ड्राइविंग 3D का जो पुलिस स्टेशन है वो गाइस यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। एंड ये एक फ्लोर से लगाकर यहाँ पर कितने सारे फ्लोर हो चुके हैं। एंड यहाँ पर आप लोग NPC देख सकते हो, वो भी जायंट हो चुका है। और फ्रैंकलिन यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है? वेलकम गाइस, आज के हैं कौन वीडियो के साथ वापस। एंड आज की वीडियो काफी ज्यादा ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ना भाई कुछ हटकर करने वाला हूँ। सो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी आपको मैं अपने बारे में बता दूं, गाइस मैं ना भाई जॉब करता हूँ। जी हाँ गाइस, एक बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। एंड वहाँ पे मेरे को डिफरेंट टाइप के काम दिए जाते हैं, मैं वो सारे के सारे काम करता हूँ। मतलब मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर मेरे को कैसा काम दिया जाएगा, बस मेरे को काम मिलेगा और मेरे को वो काम करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ मेरी जॉब है। एंड उसी के साथ साथ गाइस यार वो जॉब ना भाई काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। एंड मेरे को वहाँ पर सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि यार उसमें काम भी थोड़ा बहुत खतरनाक है, मेरे को डेंजरस काम करना पड़ता है उसमें। सो अभी गाइस मैं चलने वाला हूँ अपनी जॉब पर, मतलब गाइस जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे चलने वाला हूँ। एंड आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं भाई जॉब कहाँ पे करता हूँ एंड कैसा क्या काम होता है मेरा, मतलब मेरे को कैसा कैसा काम करना पड़ता है। सो अभी देख सकते हो मैं ना भाई घर से निकल चुका हूँ। एंड ये भाई सामने की तरफ ही अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि मतलब मेरी जॉब कहाँ पर है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं रोड से जा रहा हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ना भाई आ चुका हूँ। हाँ गाइस यहीं पे मैं जॉब करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी फॉर्च्यूनर को खड़ा कर दिया। एंड आप लोग जो ये सामने की तरफ लिफ्ट देख सकते हो ना, हाँ गाइस इसी बिल्डिंग में मैं जॉब करता हूँ। एंड इन्हीं लिफ्ट से भाई मैं ऊपर जाता हूँ एंड नीचे आता हूँ। सो अभी गाइस मैं भाई फटाफट से अंदर जाने वाला हूँ एंड देखूंगा वो मेरे को क्या काम देने वाले, मतलब आज मेरे को क्या काम करना पड़ेगा। सो गाइस अभी ना मैं भाई होकर आ चुका हूँ। एंड गाइस आज मेरे को ना बहुत ही ज्यादा कठिन काम मिला, मतलब गाइस ऐसा काम जो काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। एंड एक भाई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी वो काम नहीं कर सकता है, और मैं ही वो काम कर पाऊंगा, क्योंकि आज मेरे स्टाफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें ऐसा सब काम करने की। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं भाई कैसा काम करने वाला हूँ, मतलब मेरे को क्या काम मिला है, चलो आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी आप लोग ये पुलिस स्टेशन देख रहे हो ना भाई, इसमें मुझे चेंजेस करने, मतलब गाइस हमको इस पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना है और इसे भाई मतलब जो फ्लोर होते हैं ना इसके फ्लोर को अपग्रेड करना है, बहुत सारे ही फ्लोर बनाने हैं। सो ये काम मेरे को मिला है और मेरे को ये काम करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ मुझे ना भाई एक NPC को जॉइंट NPC भी बनाना है। सो गाइस यार ये काम ना भाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब के सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ये काम है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं भाई वो काम कैसे करने वाला हूँ, एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ऐसा काम ये कैसे कर पा रहा हूँ। सो अभी देख सकते हो मैंने पूरा पुलिस स्टेशन देख लिया, इसी पुलिस स्टेशन को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब इसके फ्लोर वगैरह जो होते हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। एंड यहीं पे मुझे एक NPC को जॉइंट NPC भी बनाना पड़ेगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मेरे को ये क्यों करना है, मतलब किसी को क्या इससे मतलब है, मतलब ये करने के बाद उसको क्या मिलेगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरे को अपना काम करना है। सो गाइस अभी ना मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ के सर है, उन्होंने मेरे से कहा था तुम पुलिस स्टेशन में जाना और देख लेना कैसा का पुलिस स्टेशन है। एंड उसी के बाद उन्होंने मुझे एक बंदे की लोकेशन दी थी और कहा था कि तुम उसके पास जाना और वो तुम्हें बताएगा तुम्हें आगे क्या करना पड़ेगा जिससे कि तुम पुलिस स्टेशन के फ्लोर को इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस मैं ना भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस बंदे से मिलने के लिए, तो मुझे उन्होंने उस बंदे की लोकेशन तो भेजी थी, मतलब बताई दी थी। तो अभी ना सीधा मैं उस बंदे के पास जाने वाला हूँ एंड उससे पूछने वाला हूँ वो सारी बातें कि मैं कैसे भाई पुलिस स्टेशन के फ्लोर को इंक्रीज कर सकता हूँ। सो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ना भाई फाइनली उस बंदे के पास पहुंचने वाला, बस थोड़ी दूरी बची है। सो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ना भाई उस बंदे के पास आ चुका हूँ। एंड यही रहा बंदा जो कि मेरे सर ने बताया था कि ये मेरे को बताएगा मेरे को आगे क्या करना पड़ेगा। सो चलो फटाफट से बात करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो गाइस अभी ना मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है एंड इसने भाई मेरे से पता क्या कहा है, आप लोग सोच के भाई एकदम मतलब शॉक हो जाओगे। इस बंदे ने कहा मेरे को भाई दो लड़कियों को मारना पड़ेगा। पता नहीं भाई मेरे को इसने ऐसा चैलेंज क्यों दिया, मतलब दो लड़कियों को मारना पड़ेगा, मतलब कुछ और भी दे सकता था बट इसने कहा दो लड़कियों को मारो, ऐसा एक चिट कोड मिलेगा जिसे डालने के बाद तुम अपने पुलिस स्टेशन के फ्लोर को इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस इसने बस मेरे को सिंपल तरीके से इतना ही बताया कि तुम बस जाओ दो लड़कियों को खत्म कर दो एंड उसके बाद तुम्हें वो चिट कोड मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ना भाई लड़की के पास आ चुका है, मेरे को फर्स्ट लड़की दिख चुकी है। और हाँ भाई एक और कंडीशन है कि मेरे को भाई गन वगैरह से नहीं मारना है, मेरे को अपने हाथों और घूसों लातों से ही मारना पड़ेगा, मेरे को अपनी लातों घूसों से ही मारना पड़ेगा इस लड़की को। सो अभी देख सकते हो मैं ना भाई इसको मारने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। एंड देख सकते हो भाई लड़की भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, देख सकते हो इसने मेरी हेल्थ ना भाई यहाँ पर ये तो डाउन करे दे रही है, भाई लगता है ये तो मेरे को ही मार देगी,
बट गाइस इसे मैं तो भाई खत्म कर दूंगा। सो अभी यहाँ पर आप लोग देखो तो मैंने भाई फर्स्ट लड़की को काफी ज्यादा ही मेहनत से मार दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम लगा यार लड़कियों की, इतनी ज्यादा मतलब क्या लड़कियों के अंदर इतना ही ज्यादा ताकत होती है क्या, मेरे को पता ही नहीं था। सो अभी देख सो मैंने फर्स्ट लड़की को मार दिया, अभी मेरे को एक और लड़की को मारना पड़ेगा एंड उसके बाद मेरे को वो चिट कोड मिल जाएगा और मैं अपने पुलिस स्टेशन को इंक्रीज कर पाऊंगा और वहां पे एक जायंट एनपीसी को भी क्रिएट कर पाऊंगा। सो अभी देख सो तो मैंने भाई एक लड़की को मार चुका एंड देख सो तो सामने की तरफ मेरे को एक और लड़की दिख रही है, चलो फटाफट से इसको भी खत्म कर देते हैं। सो अभी देख सो तो मैंने भाई इससे भी फाइट कर रहा हूँ एंड ये भी देख सो तो काफी ज्यादा ही ताकत भर है और ये तो भाई बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रही है मेरे को, बट मेरे से जीतने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी देख सकते हो मैंने ना भाई यहाँ पर इसको भी मार दिया लेकिन मेरी हेल्थ देख सकते हो कितनी ज्यादा डाउन हो चुकी है, मतलब गाइस अगर मैं एक दो और नहीं मार पाता तो ये तो मेरे को खत्म ही कर देती। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर अपना काम कर दिया, मतलब जो मेरे को उस बंदे ने चैलेंज दिया था कि मेरे को दो लड़कियों को मारना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर दोनों लड़कियों को मार दिया काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम लगा एंड थोड़ी बहुत मेहनत भी लगी बट मैंने यहाँ पर दोनों लड़कियों को मार दिया। एंड उस बंदे ने मेरे से पता क्या कहा था, जैसे ही तुम दो लड़कियों को मार दोगे, उसने ना भाई एक बंदे का मेरे को एड्रेस दिया था कि वही बंदा तुमको चीट कोड देने वाला है जिस चीट कोड से तुम ना अपने पुलिस स्टेशन के फ्लोर को इंक्रीज कर सकते हो एंड जॉइंट एनपीसी को भी बुला सकते हो। सो गाइस अभी ना भाई मैं फटाफट से उस बंदे के पास चलने वाला हूं एंड उससे वो चीट कोड लेने वाला हूं, तो चलो फटाफट से उस बंदे के पास चलते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो मैं ना भाई इस बंदे के पास आ चुका हूँ एंड यही रहा वो बंदा जो कि मेरे को चिट कोड देने वाला है, चलो फटाफट से इसे चिट कोड ले लेते हैं। सो गाइस अभी ना भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा भाई सारा का सारा काम हो चुका है एंड मैंने भाई इसी बंदे से अपना चिट कोड भी ले लिया और उसने मेरे को चिट कोड बता दिया है, तो अभी मेरे को बस सिंपल तरीके से भाई अपने पुलिस स्टेशन में जाना है एंड वहां पर जाने के बाद चिट कोड डाल देना है और उसके बाद भाई होगा जादू, तो चलो फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो मैंने भाई पुलिस स्टेशन आ चुका हूँ, मेरे तो भाई हाथ वगैरह कप कपा रहे, मतलब थोड़ा बहुत नर्वस फील हो रहा है। सो गाइस चलो गाइस फटाफट से आप लोगों को वो चिट कोड बताता हूँ एंड यहाँ पर अपने फोन में भाई डायरेक्ट आपको लाइव प्रूफ डालकर भी दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर बस आपको आरजेएस टूल को ओपन करना है, पुलिस स्टेशन और इतना लिखने के बाद बस आपको डन कर देना है। और गाइस यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो मारना भाई पुलिस स्टेशन यहाँ पर कितना ही बड़ा हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो हमको जॉइंट एनपीसी भी देखने को मिल रहा है और इसके देख सकते हो यहाँ पर फ्लोर कितने ही ज्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो ये फ्रैंकलिन कहाँ पर ही पहुंच चुका है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर फ्रैंकलिन ने ही यहाँ पर चिट कोड डाला जिससे ये सब हो पाया और गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये कितना ही ज्यादा मस्त लग रहा है हमारा पुलिस स्टेशन।